बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्री नाइन्थ ऑफ WSS। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लेक्चर नंबर 6 ऑफ जनरल साइंस बुक, जनरल साइंस चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। एंड द नेम ऑफ आवर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे इज स्पाइनल कॉर्ड, विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Spinal cord is actually an extension of medulla oblongata. ये medulla oblongata के निचली जानिब से, यानी जहाँ पर सर का निचला हिस्सा है बैक साइड पर, वहाँ से ये शुरू होता है और ब्रेन के बाद नीचे, जब जैसा कि तीन हिस्से ब्रेन के मैंने बताए थे आपको, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, और हाइंड ब्रेन के निचली जानिब मेडोला ओब्लोंगेटा पाया जाता है। तो ये असल में स्पाइनल कॉर्ड इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ मेडोला ओब्लोंगेटा। इट रन्स बैकवर्ड इनसाइड द बैकबोन अप टू इट्स लोअर एंड। ये पिछली जानिब यानी पुश्त पर रीढ़ की हड्डी कहलाती है और यह हमारी कमर में निचले हिस्से, बॉडी के जो निचला सिरा है यानी लोअर लिम्स है, वहाँ तक ये फैली हुई है, एक्सटेंड है, फैली हुई है, वहाँ तक जाती है। इट इज़ ऑल्सो मेड ऑफ इंटर न्यूरोन्स। ये और ये सारी ये जो बैकबोन है हमारी, जिसमें तकरीबन इसके 33 वर्टिब्राज हैं, यानी 33 मोहरों पर ये मुश्तमिल है। तो ये 33 मोहरे हमारे इंटर न्यूरॉन से मिलकर बने हुए हैं और स्पाइनल कॉर्ड 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनी हुई एक अहम तरीन कंपोनेंट ऑफ CNS है। स्पाइनल कॉर्ड इस कदर इम्पॉर्टेंट है कि इसने हमारी जो वर्टिकल फॉर्मेशन है, यानी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पर अल्लाह ताला ने जो हमें बॉडी की फॉर्मेशन जो बनाई है, उसके लिए, उसको ज़मीन पर खड़ा होने के लिए, हमें वर्टिकल एक्सिस पर खड़ा होने के लिए हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती है स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन। अब इसका फंक्शन ये है कि ये एक तो ये लिंक बनाती है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है इसका, ये लिंक प्रोड्यूस करती है, एक ब्रिज के तौर पे काम करती है ब्रेन से बॉडी के दूसरे जो हिस्से हैं हमारे, जो दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनके साथ इसने एक लिंक जनरेट करना होता है, अहम तरीन काम ये परफॉर्म करती है। और इसके अलावा ये बहुत सारे दूसरे जो इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्स एक्शन है। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? कुछ ऐसे एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर, दो तरह के एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, एक है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं, जो हमारे होशो हवास के कंट्रोल में होते हैं, जो हमारी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक होते हैं, जैसा कि खाना पीना, ये जो चलना दौड़ना रन करना, मतलब ये सब हमारे, और ताली बजाना क्लैप करना, ये सब हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है। मतलब हम चाहेंगे तो क्लैप करेंगे और चाहेंगे तो खाएंगे या रन करेंगे या वॉक करेंगे या मर्ज़ी होगी तो रीड करेंगे। तो और कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं वो वॉलंटरी एक्शन कहलाते हैं, और जो कॉन्शियस कंट्रोल में हमारे होशो हवास के कंट्रोल में नहीं होते वो इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। और जैसा कि दिल की धड़कन, सांस का आना जाना, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, जो हम आंखें फड़फड़ाते हैं, यानी इस तरह से मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जो हैं इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है ये हमारे जो बहुत सारे रिफ्लेक्स एक्शन हैं यानी इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, इनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। स्टूडेंट्स, यू कैन लर्न दिस टॉपिक फ्रॉम द बुक।